पूरे से व्यू दोगे तो शानदार आ रहा अच्छा है, और सामने भी है ये देखिए, आप देख सकते हैं ये आमेर का किला, आमेर का किला। भाग में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अमिया, झूले पड़ गए पक गए मिठिया अमिया, एक छोटी सी जिंदड़ी पे रात लंबिया लंबिया। ये देसी जुगाड़ में पहले बनते थे, ये आप देख सकते हैं। ये फैमिली है, ये तभी इनको लेके आएंगे। अरे भाई मैं चौकी पर आया हूँ मैं, लेकिन जो घुमाएगा गाइड ही घुमाएगा, आप भी जानते हो अच्छी तरह। अरे हम घूम सकते हैं भैया, 10 साल से यही रह रहा हूँ मैं, आ गए फ्रेंड्स के साथ में, पहले गाइड भी ले चुके थे, पहले सब शेयर कर रहे हैं। ये भाई की जीजू खो गए हैं, कहाँ खो गए पता नहीं, बेरे ही नहीं बांट रहे। ये है आमेर का किला, पानी लेके आते हैं उधर, उधर ये कलर है ना सब, ये ऑर्गेनिक कलर से बिना देख रही न। अब हम इस किले के अंदर जा रहे हैं, हाँ दोस्तों आमेर किलो, पहले तो कैंसिल हो गया आमेर किलो क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर ही है की वजह से, तो अब एक जुगाड़ लगाया टिकट को, तो टिकट फ्री है चक्कर में आ गया, हाँ टिकट का पैसा लग गया को नहीं, तो हाँ और ये अड़े पैर स्लिप हो रहे हैं, तिसला एकदम से, कद भी आओ बारिश को मौसम रहे तो ध्यान से, और सबकी टिकट फ्री को नहीं हो, कोई को जैक जुगाड़ कोई को जैक जुगाड़ो अपन की टिकट फ्री हो है, सबकी को नहीं हो है, करवाए कोई बैडन फोन करके, नहीं एक जने की 100 रुपये टिकट है। ए भाग देखा चला, अब आप ये देख सकते हो ये किले के अंदर का नज़ारा है। अब हम देखो इधर से घूम करके जा रहे हैं, ये देखिए इसके देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, पूरे से व्यू दोगे तो शानदार आ रहा है, और सामने भी है वो कौन सो गड है वो मेरे को नहीं, वो नाम है क्योंकि बंद तो बंद कर रखो, खोलेंगे नहीं, और बाकी पैडी रस्तो ये ऊपर रस्ते है। अब बारिश को मौसम है तो ये तालाब भी भरे पड़ेगा पानी से,
अगर पैदल आऊँ तो बड़ी से आना पड़े, मैं आंगड़े से दिखा रहा हूँ बिना देख सको थे। और शानदार लोकेशन, और ये अब जगह है एमएल में जो रानी रहती है, वह बड़े से फूल तोड़ के लाती। हाँ बाग, ये यहाँ पे सवाई मान जैसी की रानी जहाँ पे नहाया करती थी, बाथरूम टॉयलेट क्या होया करता आजकल देख सकते हैं। ये वो बाथरूम है जहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे पहले के क्या मैं उम है नाचती नाचती इस किले के अंदर आ चुकी हैं। देखो कितना सुंदर बाग है ये, देखो कितना खूबसूरत नजारा है। देखिए इधर से ये शीश महल है, बहुत ही शानदार लोकेशन है। बखड़ा तरफ देख रहे हैं जो बड़ी कढ़ाई रखी हुई है। अरे हाँ, ये बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, इनके अंदर भोजन पकाया जाता था राजा के वक्त। और वो देखो आगे दे आपको दिखाई दे रहा होगा, धुंधला धुंधला कठपुतलियों के डांस दिखाया जा रहा है। इन खड़ी रैग मड़ी।